गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा है हॉस्पिटल में चौथा दिन और फिर सुबह हो गया है और फिर मुझे बैठने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो फिर मैं लेटे लेटे बिस्तर पे ही नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मतलब छोटा ऑपरेशन था तो फिर उस पे ही सीधा बैठ के तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो मैं अपने से साइड से बैठ के उठती हूँ, साइड से ही लेटे रहती हूँ। ये देखो पापा जी को देखो, अब 7 बज रहे हैं लेकिन फिर भी सोए हुए हैं। और फिर उनका फ़ोन देखिए, फ़ोन साइड पे है, वो गिर भी सकता है लेकिन उनको पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इनको अब सोने देते हैं और फिर कुछ देर पे हम लोग फिर से मैया दोनों के पास जाएंगे फीडिंग करवाने। फीडिंग करवाने के बाद हमें KMC करना होता है क्योंकि उनसे वेट बढ़ता है, तो हम हर दिन करते हैं। मैया दोनों का ये मोजा सब थोड़ा छोटा पड़ जा रहा था तो फिर मैंने ना सिलाई करके इसे छोटा बना दिया और फिर ये अब पूरी तरह से हो जाती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और आज फ्राइडे और फिर सैटरडे तक शायद बारिश रहेगा और मौसम भी बहुत ही ठंडा बनाया हुआ है, तो फिर इसलिए हम लोग मोजा वो टोपी सब पहना देंगे अभी मैया दोनों को। मौसम को देखते हुए हमने ये सेट मंगाया है और ये मैया दोनों की पुप्पू ने मंगाया है और फिर ये आज आ गया है। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो हम लिंक कमेंट बॉक्स पे दे देंगे, तो फिर आप लोग वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। ये बहुत ही क्यूट सा है। ये देखिए आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब हम लोग फिर से SMC आ गए हैं मैया दोनों के दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाने के बाद हम लोगों को KMC करना होता है। मेरी ट्विंस बेबी का जन्म ये सदर हॉस्पिटल में हुआ है और सदर हॉस्पिटल ये चाईबासा वाला है। यहाँ पे सारा चीज़ का सुविधा है, पहले नहीं था लेकिन अब सब कुछ है यहाँ पे। हमारी बेबीज थोड़ी सी अब नॉर्मल हो गई है तो फिर रात में मेडिसिन सब चढ़ जाता है 10 बजे, तो फिर अभी 10 बजे के बाद हमें अपने पास रखने को कहा गया है। डकार दिला के फिर हम लोग कंगारू करते हैं, कंगारू यानी कि KMC। हम लोग बेड पर नहीं सो रहे हैं क्योंकि बेड थोड़ा छोटा है और फिर जगह भी थोड़ा कम है, तो फिर दोनों बच्चों को लेके बेड पे नहीं कंफर्टेबल है ना, तो फिर इसलिए हम लोग जमीन पे सोए हैं। ठंडी मौसम चल रही है और फिर हम लोग बेबी दोनों का भी फीडिंग करवाने के बाद अब हम लोग उनके बेड पे छोड़ देंगे SNCU में। हमें हर दिन 2-2 घंटे पे फीडिंग करवाने के लिए बुलाया जाता है और फीडिंग करने के बाद उन दोनों को वापस रखा जाता है, उनका मेडिसिन चलता है और फिर हर दिन सुबह को उनका वेट चेक किया जाता है और फिर वेट के साथ सुसु पॉटी दोनों हो रहा है कि नहीं वो भी देखा जाता है। इन दोनों को सुला दिए उनके बेड पे। हम कुछ भी बेबीज़ के लिए नया लेते हैं ना, तो फिर उसको डेटॉल पानी से आपको वॉश कर लेना है या फिर वार्म वाटर से भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे इच्छा हो। मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है दूध के साथ, मदर हॉर्लिक्स मैं अब भी पीती हूँ और फिर ये बाबू वहाँ पे क्या खोज रहा है। और दोपहर के करीब 11-12 बजे मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आया, मेरा जो टेम्परेचर था आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फिर मुझे सिर भी बहुत भारी लग रहा था, पैर हाथ के साथ साथ मुझे पूरा बॉडी एकदम पेन कर रहा था, मतलब दिमाग जगह तो बहुत ही टना रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे साथ साथ में मेरी छोटी वाली मैया को भी फीवर चढ़ गया था थोड़ा सा, मतलब 2 पॉइंट ही बस पड़ा हुआ था। अपने पास कुछ देर रखेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों का मेडिसिन चलेगा, फिर हम लोग लेके आएंगे 3 बजे। आज का ब्लॉग बस इतना ही।